स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2019 है के द्वारा जारी की गई ग्राम सचिव के पदों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 14 जून 2019 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की डेट है, स्टार्टिंग डेट 19 जून 2019। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या लास्ट डेट है 3 जुलाई 2019 रात 12 बजे तक। फीस जमा करने की अंतिम तिथि या लास्ट डेट है 6 जुलाई 2019। इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशंस, दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 697 पोस्ट ऑफ ग्राम सचिव इन हरियाणा मेंशन अंडर पैरा। आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं दिए गए यूआरएल पर https://advertisement920190.hrysse.in/static-page/home-page.aspx 19 जुलाई 2019 से 3 जुलाई 2019 के बीच रात 12 बजे तक। उसके बाद ये लिंक डिसेबल कर दिया जाए। दोस्तों आवेदन करने के लिए प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइन को आप ध्यान पूर्वक यहाँ देख लें या सुन लें। फॉलोइंग आर द जनरल एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर द एप्लीकेंट विद रेस्पेक्ट टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। नंबर ए, अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बी, प्लीज रीड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेक ऑल पर्टिकुलर्स फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर आफ्टर गेटिंग द प्रिंट आउट एंड श्योर करेक्टनेस इंफॉर्मेशन एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स बिफोर फाइनली सबमिट एप्लीकेशन। सी, द कैंडिडेट शुड फिल ऑल डिटेल्स वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड विल बी जनरेटेड। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन योर एप्लीकेशन स्टेटस फॉर रीप्रिंटिंग ऑफ योर ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड ई चालान फॉर्म। डी, सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट कैन अगेन टेक प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म एंड ई चालान। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट मस्ट ब्रॉट एट द टाइम वेन कॉल्ड अपॉन सो बाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। डॉक्यूमेंट्स which has not been uploaded shall not be entertained. F, no request for change any particulars on the application form entertained by the Haryana SSC. G, no offline application or copy of download application form will be accepted by Haryana SSC. H, selection shall be made in accordance with provision of Haryana government notification so and so. E, candidate who do not fulfill qualification eligibility conditions on cut off date, their application shall not be accepted by the online application systems. All the certificates, documents related to educational qualification, eligibility conditions and socio-economic criteria and experience etc. will be determined by that. With regard to last date fixed to apply online application called as closing date 3/7/2019 given in advertisement. Important note, candidate are advised to fill their application form carefully such as name, father's name, date of birth, category, qualification, marks obtained, passing year, photo, signature, details, fee, etc. No request will be entertained after submission of online application form. Details of post and qualification development and panchayat department Haryana category number 697 post of gram sachiv
category, general category, total. General category की total post है 287, non ESM की 234, ESM की, general ESM की है 46, ESP 7, SC category में total post 162, SC non ESM 142, SC ESM की है 13 और SC ESP की 7, BCA category में total post 107, BCA non ESM की 91, BCA ESM की 13 और BCA ESP की है 3 post, BCB category में है total post 74, BCB non ESM category में है 51 और BCB ESM category की post है 20, जबकि ESP की है 3. EWS category में total post रखी गई है 67 और कुल पोस्टों का grand total है 997. दोस्तों EWS यानी PWD Person with Disability category के लिए, जैसे blind category low vision वालों के लिए है 6 post, deaf and hard hearing के लिए 6 post है, locomotor disability, cerebral palsy, leprosy card, इन सभी बीमारियों से ग्रस्त जो कैंडिडेट है उनके लिए 7 वैकेंसी रखी गई है. इसके अलावा autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness and multiple disabilities from among us person under all clause including deaf blindness in post in identified for each disability. Total post है इस category के लिए 7. अब इसमें इन पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है देख लेते हैं. ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन से. नंबर दो, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हायर. एज इस पोस्टों के लिए रखी गई है 17 साल कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम आयु होनी चाहिए 42 साल. दोस्तों ग्राम सचिव की पोस्टों के लिए जो पे स्केल है वो है PFL 19,900 से लेकर 63,200. एज रिलैक्सेशन किन किन कैटेगरियों को कितना दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं. अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 5 इयर्स फॉर SC बैकवर्ड क्लास A एंड B एज पर हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस. नंबर दो, इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 10 इयर्स 15 ईयर फॉर SC एंड BC कैंडिडेट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस. फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रिलैक्सेशन अप टू कंटिन्यूअस मिलिट्री सर्विस एडेड बाय 3 इयर्स इन परमिसेबल. अपर एज लिमिट ऑफ विडोज लीगली सेपरेटेड वोमेन डाइवोर्सी डेजर्टेड वोमेन एंड अनमेरिड वोमेन विल बी अप टू 47 इयर्स एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन. ऑल अब रिलैक्सेशन आर अवेलेबल ओनली फॉर द हरियाणा स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स. फीस डिटेल्स. नंबर वन, कैटेगरी वन यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स चाहे मेल हो और फीमेल हो उनके लिए है 100 रुपये की फीस. फीमेल कैंडिडेट जो केवल हरियाणा राज्य से रहने वाले हैं उनके लिए 50 रुपये फीस है. मेल कैंडिडेट SC BC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये फीस है जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 13 रुपये फीस है. जबकि PWD पर्सन एंड एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा स्टेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है. अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को चाहे वो PWD हों या एक्स सर्विस मैन कैटेगरी के हों या जनरल OBC SC BC EWS जिस कैटेगरी से संबंधित हैं उनको लिए 100 रुपये फीस पेबल होगी. सिलेक्शन क्राइटेरिया एग्जामिनेशन एंड सिलेबस. टोटल जो सिलेबस होगा एग्जामिनेशन का ग्राम सचिव पद के लिए वो 90 मार्क्स का होगा. रिटर्न एग्जाम 90 मार्क्स का होगा. सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे.
दोस्तों 90 मार्क्स के रिटन एग्जाम्स में 75% वेटेज जो होगा वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्न और रिलीवेंट सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल उनके लिए दिया जाएगा, जबकि 90 मार्क्स में से 25% वेटेज जो है हरियाणा राज्य से संबंधित हिस्ट्री, कल्चर अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चनों को दिया जाएगा, जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित होंगे केवल। नंबर 3, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के लिए एलोकेटेड 10 नंबरों को इस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं या इन्हें डिवाइड किया गया है, जो एप्लीकेंट ना तो खुद सरकारी नौकरी में है ना उनके परिवार का कोई भी सदस्य जैसे फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर एंड सन किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टेचुटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और अदर स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे हैं या सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। बी, जो विधवा हैं, जो जिनका सेकेंड, पहला या सेकेंड चाइल्ड है और उनके फादर की मृत्यु 42 साल से पहले हो गई है, उनको 5 या पहला या सेकेंड बच्चा अपने फादर के मरने के पहले अगर 15 साल का नहीं हुआ है तो उस केस में उन कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। सी, इफ एप्लीकेंट बिलोंग टू सच डी नोटिफाइड ट्राइब कास्ट, जैसे विमुक्त जाटिस और तपरीवास जाटिस या नोमेडिक ट्राइब्स को जो कि हरियाणा से संबंधित हैं उनके लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो हर साल के एक्सपीरियंस के लिए, हर एक साल के एक्सपीरियंस के लिए 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि अगर किसी साल में एक्सपीरियंस 6 महीने से कम है तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अधिकतम एक्सपीरियंस 16 साल के लिए आप दे सकते हैं, यानी एक्सपीरियंस के केस में आपको अधिकतम 8 मार्क्स दिए जा सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड एक्सपीरियंस की कंडीशंस के लिए। नॉट, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को 10 मार्क्स से अधिक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस की कैटेगरी के लिए 10 मार्क्स से अधिक का वेटेज नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। एग्जामिनेशन शेड्यूल पहले ही हरियाणा एसएससी ने एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। एग्जामिनेशन या तो सीबीटी यानी ऑनलाइन मोड से होगा या ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि 13 जुलाई 2019 से 18 अगस्त 2019 के बीच किया जाएगा, जिसका डेट, टाइम और प्लेस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जो जारी किए जाएंगे उस पर आपको मिलेगा। हाउएवर, एसएससी रिजर्व राइट्स टू रीशेड्यूल द और चेंज द अबोव शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशंस। दोस्तों बात करते हैं अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम अपलोड करने हैं जो कि जरूरी हैं, जो आपको हर हाल में अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम। नंबर 1, स्कैंड कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोविंग डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलीवेंट डिटेल्स। नंबर 2, स्कैंड कॉपी ऑफ एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसपी, ईएसएम, डीईएसएम, डीएफएफ और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसएबिलिटीज सर्टिफिकेट अलोंग विद हरियाणा गवर्नमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। नंबर 3, स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस अलोंग विद हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। नंबर 4, स्कैंड फोटो डुले साइंड बाय द कैंडिडेट। नंबर 5, स्कैंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। नंबर 6, स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शोविंग हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा ऑन विच बेसिस कैंडिडेट क्लेम मार्क्स। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि कमीशन कोई भी डॉक्यूमेंट्स का आपका वेरिफिकेशन नहीं करेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान, जो भी किया जाएगा वो अंतिम रूप में सेलेक्टेड कैंडिडेटों की स्क्रूटनी के लिए किया जाएगा, इसलिए आप केवल जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उन्हीं को अपलोड करें, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें जो कि अनरिलीवेंट है पोस्टों से।
दोस्तों इससे अधिक जानकारी के लिए आप हरियाणा HSSC द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2019 को रीड कर सकते हैं, जिससे आपको और अधिक जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने मित्रों में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली नई जानकारियों की खबर मिलती रहे और आप समय से हमारे परीक्षा उपयोगी कंटेंट, परीक्षा उपयोगी जानकारी और विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों के एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी को जरूर बजाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बने रहिए हमारे चैनल पर अगली वीडियो आने तक। धन्यवाद।